दिस इज मोहित अहरवार और आज का अपना टॉपिक है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया जो है वो स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं अपन के सीएनएस में। देखिए, दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती हैं जो जिनमें क्या होते हैं, जिनको न्यूरॉन बोलते हैं, जो जिनको एक्साइट किया जाता है, उससे क्या होता है सेंसेशन या मोटर इम्पल्स जाते हैं, ठीक है। दूसरी टाइप की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, सपोर्ट करती हैं उन सेल्स को, या कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाना है या न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोवाइड करवाना है तो अलग से सपोर्ट करने वाली सेल्स भी होती हैं, इनको बोलते हैं अपन न्यूरोग्लिया, ठीक है। न्यूरोग्लिया का मतलब क्या होता है, ग्लू, मतलब इस तरह से ये चिपकी हुई होती हैं और ये सपोर्ट करती हैं। तो न्यूरोग्लिया इज द सपोर्टिंग सेल ऑफ न्यूरो नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की जो सपोर्ट है सेल्स ही होती हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन लोग, न्यूरोग्लिया। देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यूनिवर्सिटी पेपर में आया था एक बार, तो बहुत अच्छे से अपन को तैयार करना है, ठीक है। दे आर नॉन एक्साइटेबल एंड डू नॉट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, सो दीज आर कॉल्ड नॉन न्यूरल सेल्स और ग्लियल सेल। तो क्या होती है, नॉन एक्साइटेबल होती है, मतलब ये एक्साइट नहीं होती है। एक्साइट कौन होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करती हैं, इम्पल्स को ट्रांसमिशन भी नहीं करती हैं, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, नॉन न्यूरल और ग्लियल सेल भी बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो जो अपन की ग्लियल सेल्स, जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, वो क्या होती हैं, सीएनएस में भी पाई जाती हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी पाई जाती हैं। तो उस हिसाब से अपन क्या होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देखिए, जो सीएनएस में रहेंगी उसमें क्या करेंगी, एक एक टाइप की सेल्स सपोर्ट करेंगे और एक टाइप की सेल्स क्या करेंगे, उसको माइलिनसीज बनाएगी। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी इसी तरह से अपन को दो टाइप की सेल्स चाहिए पड़ेंगी, कि कुछ सपोर्ट करें और क्या करें, माइलिनसीज बनाएं, ठीक है। तो अपन देखते हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सीएनएस एंड पीएनएस। दे आर क्लासीफाइड इंटू टू वेज, दो तरीके से इनको क्लासीफाई किया गया है, सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल एंड पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स। सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स कितनी होती है, तीन टाइप की हैं। तीन टाइप की कौन कौन सी हैं अपन देखते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया और ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया और ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ये तीन टाइप की सेल्स में अपन को देखना है किस तरह से इनके फंक्शन होते हैं और कैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं एस्ट्रोसाइट्स। दे आर स्टार शेप्ड न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ये क्या होती है, स्टार शेप्ड न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं, जो अपन के ब्रेन के हर एक पार्ट में प्रेजेंस होते हैं। तो एक तरह से सपोर्ट करते होंगे या दो स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम करते होंगे, और स्टार शेप्ड होते हैं तो लगभग पूरे ब्रेन में प्रेजेंस होते हैं। जो एस्ट्रोसाइट सेल्स हैं वो होती हैं, दो तरह की होती है अपन के ब्रेन में। एक होती है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, एक होती है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। तो जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट है वो क्या होती है, व्हाइट मैटर के साथ पाई जाती है। मतलब ये मान लीजिए अपन का एक न्यूरॉन है, एक दूसरा न्यूरॉन है, तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रही है ये वाली हो जाएगी अपन की कौन सी, फाइब्रस वाली, जो व्हाइट मैटर में, ठीक है। और ग्रे मैटर के टाइप पे क्या होगी अपन की, प्रोटोप्लाज्मिक वाली। तो इस तरह से इसको जोड़ते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स मेनली इन ग्रे मैटर, मेन रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये वाली क्या बनाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है, ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्मिक वाली है। प्रोटोप्लाज्मिक वाली कहाँ पे पाई जाती है, ग्रे मैटर में। ये सेल बॉडीज ग्रे मैटर बनाती हैं और एक्जो व्हाइट मैटर बनाता है, ठीक है। तो फाइब्रस वाली इधर पाई जाती होगी और जो प्रोटोप्लाज्मिक है वो इधर पाई जाती होगी, ठीक है। ये इस तरह से ये रही अपन की प्रोटोप्लाज्मिक और ये रही अपन की फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, ये प्रोटोप्लाज्मिक और ये फाइब्रस, ठीक है। फंक्शन देख लेते हैं अपन लोग किस तरह से रहते हैं इसके, एस्ट्रोसाइट के फंक्शन। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर मैंने अभी बताया, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है, ठीक है। सपोर्टिंग नेटवर्क है, सपोर्ट करेगी दोनों दोनों स्ट्रक्चर को, दो न्यूरॉन और एक से अधिक बहुत ज़्यादा न्यूरॉन को जोड़ती होगी, तो सपोर्टिंग नेटवर्क हो गया। मेंटेनेंस द ईसीएफ स्टेटस अराउंड न्यूरॉन, तो न्यूरॉन के अराउंड ही है तो क्या करेगी, उसका ईसीएफ स्टेटस को भी अराउंड करेगी कि आप उसके कितने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने हैं। रेगुलेट कैल्शियम एंड पोटेशियम लेवल इन ईसीएफ, तो उस तरह से इनको आयंस का भी जितना बैलेंस है वो बना रखेगी। रेगुलेट लेवल एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर एज साइनेप्टिक लेवल, तो साइनेप्टिक लेवल पे किस, जो अपन का न्यूरो ट्रांसमीटर रहते हैं वो किस टाइम पे उनको वापस से जो अपन की प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो उधर तक लाना, या फिर उसको जो न्यूरो ट्रांसमीटर ज़्यादा टाइम तक रहा है उसको नष्ट कर देना, ये काम रहता है, ठीक है। सिक्रीट जो न्यूरोट्रोफेंस होते हैं, न्यूरोट्रोफेंस कुछ सब्सटेंस होते होंगे जो वो भी रिलीज होता है यहाँ से। अब होते हैं दूसरे नंबर पे अपन की माइक्रोग्लिया। तो माइक्रोग्लिया क्या करती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। तो देखिए, अपन का एक सपोर्ट भी कर रही हैं, कुछ सुरक्षा की भी तो जरूरत होती है, तो वो कौन करता है अपन का, माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया का अपन देखें तो ये एक तरह से मैक्रोफेजिस का ही प्रोडक्शन है। तो ड्राइव फ्रॉम मोनोसाइट्स, तो मोनोसाइट से प्रोड्यूस होती हैं, इनको मैक्रोफेजेस ऑफ सीएनएस भी बोलते हैं, सीएनएस का मैक्रोफेज बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, सुरक्षा का काम करती हैं। ये रही अपन की माइक्रोग्लियल सेल्स, जो कि क्या होती हैं, स्मॉलेस्ट हैं, ठीक है। फंक्शन देखें इनका, फंक्शन है मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस का काम करेंगे, मतलब क्या करेंगे, ये प्रोटेक्शन करेंगे। तो प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय फेगोसाइटिक एक्शन, तो फेगोसाइटिस के द्वारा अपन क्या करते हैं, ब्रेन का ये सुरक्षा करवाती हैं, ठीक है, कौन, माइक्रोग्लिया। और साथ ही इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी ब्रेन को प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये कौन का काम हो गया अपन का, माइक्रोग्लिया का। अब अपन देखते हैं ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट क्या करवाती हैं, अपन ने देखा होगा स्वान सेल क्या कर रही थी, माइलिन सीथ फॉर्मेशन कर रही थी। तो जो स्वान सेल होती हैं वो रहती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो अपन की माइलिन सीथ बनाती हैं वो होती है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। तो
प्रोड्यूस्ड माइलिन शीथ अराउंड द नर्व फाइबर्स एंड सी एन एस ऑल्सो कॉल्ड ओलिगोडेंड्रोग्लिया। तो ये क्या करती हैं, जो अपन का ये नर्व फाइबर है, ये अपन की ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, तो मान लीजिए एक नर्व फाइबर है, इसके चारों तरफ जो अपन की माइलिन शीथ बनानी है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करती हैं। ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बोल रहे हैं, ठीक है। और इनको एक और नाम क्या होता है, ओलिगोडेंड्रोग्लिया। फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड माइलिनेशन एंड फॉर्म सपोर्टिंग नेटवर्क। सपोर्टिंग नेटवर्क भी यही फॉर्म करती हैं, वो सपोर्टिंग नेटवर्क तो सभी फॉर्म कर रही हैं, क्योंकि इसीलिए तो इसका नाम क्या हो रहा है, ग्लिया पड़ रहा है, ठीक है। अब अपन देखते हैं पेरिफेरल में कौन कौन सी होती है, तो पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स इन पीएनएस आर टू टाइप्स, कौन कौन सी होती है, स्वान सेल्स एंड स्टिलेट सेल्स। तो स्वान सेल रहेंगे वो क्या करेंगे, अपन की स्वान सेल क्या करेंगे, माइलिन शीथ बनाएंगे, और स्टिलेट सेल क्या करेंगी, स्टिलेट सेल सपोर्ट करेंगी, ठीक है, सपोर्टिंग नेटवर्क बना लेंगी। तो स्वान सेल्स मेजर ग्लियल सेल्स इन पीएनएस, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बड़ी सेल्स कौन सी होती है, स्वान सेल, और सीएनएस में सबसे छोटी कौन होती है, माइक्रोग्लिया, ठीक है, ये देखना ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोवाइड माइलिनेशन, माइलिनेशन पहला काम है, हेल्प इन रीजनरेशन ऑफ इंजर्ड नर्व फाइबर्स। तो अपन ने पढ़ा होगा डीजनरेशन और रीजनरेशन, तो उसमें भी ये स्वान सेल्स क्या करती हैं, जब वो मैक्रोफेजेस अंदर आती हैं और पूरा डेब्रिस जो उसका अंदर भरा हुआ होता है उसको बाहर निकालने के बाद स्वान सेल का साइटोप्लाज्म में भर जाता है, तो इस तरह से रीजनरेशन में भी हेल्प करती हैं। इसके बाद सेलुलर डेब्रिस बाय फेगोसाइटोसिस, तो जो देखिए फेगोसाइटोसिस के थ्रू वो डेब्रिस भरा हुआ है उसको भी बाहर निकलवाने में हेल्प करती हैं। और सबसे एंड में अपन कहता है स्टिलेट सेल्स, तो ये क्या करती हैं, प्रेजेंट ऑन द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूरॉन एंड पीएनएस। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक्सटीरियर सरफेस पर प्रेजेंस होती हैं, जैसे ये वो न्यूरॉन है और ये जो अपन की एक्सटीरियर सरफेस है यहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, थीके? इस तरह से ये प्रेजेंट होती हैं, करवाती क्या है, प्रोवाइड सपोर्टिंग नेटवर्क मेंटेनेंस इन सपोर्टिंग नेटवर्क प्रोवाइड कर देंगी। एक तो ये एक्सटीरियर सर्फेस पर एपिथेलियल टाइप की प्रेजेंस होती हैं, और मेंटेन द ईसीएफ स्टेटस, ईसीएफ स्टेटस मतलब यहाँ पे किस तरह से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने हैं नर्व फाइबर्स को, तो इस तरह से ये ईसीएफ स्टेटस, जो बाहर का वातावरण किस तरह से रहे ईसीएफ वाला, वो किस तरह के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हों, किस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर प्रोवाइड हों, तो उस तरह से भी ये रेगुलेट करती हैं, और साथ ही क्या करते हैं, सपोर्टिंग नेटवर्क भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपन का न्यूरोग्लिया वाला पार्ट, थैंक यू गाइस।